नमस्कार, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी के चैनल पर। और आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि बिहार में जाति आधारित जनगणना होने जा रही है, यानी कि जो एससी कैटेगरी हैं, जो ओबीसी कैटेगरी हैं, जो एसटी कैटेगरी हैं, इस आधार पर जनगणना होगी बिहार के अंदर। खैर, इससे क्या फायदे होंगे, इससे क्या नुकसान होगा, इन तमाम बातों को हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। और एक जो सेंसस यानी जो जनगणना होती है और एक कास्ट बेस्ड जो जनगणना है, इनके बीच में जो एक अंतर है, इसको भी हम जानने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पीडीएफ के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा, तो जाकर आप वहां से इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करनी है, ताकि आप लोगों को कुछ भी लिखना ना पड़े, आप आराम से जाकर वहां से इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, बिहार ने जो बिहार सरकार है, उन्होंने घोषणा की है कि जो सभी जातियों और समुदायों का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करेगी, यानी कि जो उनकी कंडीशन है सोशल और जो इकोनॉमिक जो कंडीशन है, उसको जांचने के लिए एक सर्वे किया जाएगा। कास्ट बेस्ड ये एक सर्वे होगा, या फिर कहें कि सिंपल भाषा के अंदर कास्ट बेस्ड जो है वो सेंसस यानी कि जाति आधारित जनगणना होने जा रही है बिहार के अंदर। अब आपको जानना है कि जनगणना और ये जो एसईसीसी यानी कि सोशियो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ कास्ट एंड कम्युनिटीज यानी एसईसीसी, इसके बीच में अंतर क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं जनगणना की यानी सेंसस की। देखिए, भारत में जो जनगणना की जो शुरुआत है औपनिवेशिक शासन के दौरान यानी कॉलोनियल, यानी जब अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, उस दौरान से शुरू कर दी थी 1881 में ही। जनगणना का आयोजन जो है किस लिए किया जाता है, इसको समझ लीजिए। देखिए, जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो एकेडमिक्स हैं यानी शिक्षाविदों, और जो भी अन्य लोग हैं, भारत की जनसंख्या से उन्हें संबंधित आंकड़े प्राप्त करने से काफी ज्यादा सुविधा मिलती है, जैसे कि संसाधनों तक पहुंचने में, सामाजिक परिवर्तन करने में, डिलिमिटेशन यानी परिसीमन करने में, यह सब करने में आसानी हो जाती है अगर सरकार के पास जनसंख्या के आंकड़े होते हैं। क्योंकि डिलिमिटेशन करना, अब जनसंख्या बढ़ी तो वहां पर एमएलए एमपी की संख्या बढ़ा देना, और कहां पर जनसंख्या बढ़ रही है या कहां पर घट रही है, और यहां पर किसने, वहां पर सोशियो इकोनॉमिक कैसी कंडीशन है, तो इन तमाम बातों की हेल्प से, इन तमाम बातों की जो डेटा आता है सरकार के पास, उससे वो उनकी बहुत ज्यादा हेल्प कर पाती है। हालांकि 1940 के अंदर बात करें तो डब्ल्यू डब्ल्यू एम ईटीएस जो उस वक्त यहां पर सेंसस कमिश्नर हुआ करते थे इंडिया के, जो 1941 में जो जनसंख्या करनी थी उसकी, उन्होंने कहा था कि जो जनसंख्या है, जो जनगणना है, एक बड़ी ही बेहद मजबूत अवधारणा है, लेकिन इसका जो यूज है विशेष जांच के लिए एक तरीके से अनुपयुक्त साधन भी है, यानी इसका एक बहुत बड़े पैमाने पर गलत यूज भी किया जा सकता है, ये बात बोली गई थी। अब बात करते हैं एसईसीसी यानी सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस। अब 1931 के बाद 2011 में पहली बार जो ये वाली एसईसीसी की गई थी, यानी जाति आधारित जनगणना की गई थी। एसईसी का मतलब क्या होता है कि जो शहरों में, जो गांवों में, इन जगह पे रहने वाले जो भारतीय हैं या जो परिवार है, उनसे कुछ चीजों के बारे में पूछा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पूछा जाता है उनकी इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में। अब उनके पास इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में पता करेंगे तो केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार है, अब उनके पास एक एप्रोप्रिएट डेटा पहुंच पाएगा, जिससे क्या होगा कि वो जो भी जो कास्ट की जो भी कहें कि जो लोग हैं, विभिन्न विभिन्न जो जाति समुदाय के जो लोग हैं, उनकी एक डेटा जब उनके पास आएगा तो वो कुछ एक को परिभाषित कर पाएंगे कि गरीबी और जो वंचित व्यक्ति हैं उनको वो आसानी से परिभाषित कर पाएंगे कि किन के पास सुविधा नहीं पहुंची है, किन को ये सुविधा पहुंचानी है, इवन आरक्षण के अंदर भी। इसका अर्थ प्रत्येक व्यक्ति को अपनी विशिष्ट जातिगत यानी उसे कास्ट का नाम पूछा जाता है, जिससे सरकार को एक तरीके से यहां पर ये सर्वे करने में या रिसर्च करने में या पुनर्मूल्यांकन करने में आसानी होती है कि कौन सी जाति समूह आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा खराब स्थिति में है और कौन बेहतर रूप में है। और एसईसीसी में व्यापक स्तर पर असमानताओं के मानचित्र की जानकारी मिलती है, यानी ब्रॉडर लेवल के अंदर इनइक्वालिटी हमारे सामने आती है कि भाई कितनी ज्यादा इनइक्वालिटी चल रही है,
फॉर एग्जाम्पल की एससी कैटेगरी की बात करूं, जनरल कैटेगरी की बात करते हैं, तो यहां पर इन दोनों जाति के बीच में जब जनगणना होती है तो इनसे पूछा जाता है कि आपकी सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, फिर इनसे पूछा जाता है आपकी सोशल इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। तो यहां पर एक हमें बहुत अच्छे से इनक्वालिटीज अभी कितनी है, तो ये एक ब्रॉडर लेवल पे हमें जानकारी मिलती है एसईसीसी के द्वारा। अब बात कर लेते हैं जो जनगणना है, भारतीय आबादी का एक समग्र चित्र प्रस्तुत करती है, जबकि एसईसीसी है राज्य द्वारा सहायता के योग्य लाभार्थियों की पहचान करने का एक उपाय या फिर कहीं एक साधन होती है, यानी कि एसईसी जो है वो एक टूल है जो आइडेंटिफाई करता है उन लाभार्थियों को, उन बेनिफिशरीज को जिनको जो गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट करती है। राज्य का मतलब यहां पर स्टेट गवर्नमेंट मतलब कि जो हरियाणा पंजाब उनसे नहीं है, यहां बात करेंगे हम भारत की, यानी जो भारत सरकार के द्वारा जो बेनिफिशियरी प्रोवाइड की जाती है, यानी जो लाभ प्रोवाइड करवाया जाता है लाभार्थियों को, उनकी एक पहचान हो पाती है। क्योंकि जनगणना जो है वर्ष 1948 के जनगणना अधिनियम के अंतर्गत आती है, तो इसके लिए सभी जो आंकड़े हैं वो एक तरीके से सीक्रेट रखे जाते हैं, कॉन्फिडेंशियल रखे जाते हैं। जबकि एसईसीसी की वेबसाइट के अनुसार एसईसी में दी गई सभी व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग कर सरकारी विभाग परिवारों को लाभ पहुंचा सकती है और देख सकती है कि किनको लाभ नहीं पहुंचाना है, तो उनको वो प्रतिबंधित करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। अब इसके ऊपर पक्ष भी है विपक्ष भी है कि भी कुछ कहते हैं जाति आधारित जनगणना से कुछ फायदे होंगे, कुछ कहते हैं कि कुछ उससे नुकसान होंगे। तो इन दोनों बातों को हम जान लेते हैं। जो पक्ष में है वो क्या कहते हैं, देखिए सामाजिक समानता कार्यक्रम के प्रबंधन में सहायता, यानी कि जो हेल्पफुल होगी ये सोशल इक्विटी प्रोग्राम के अंदर। देखिए भारत में सामाजिक समानता कार्यक्रम डेटा के बिना सफल नहीं हो सकते, यानी कि जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तो हमें यह नहीं पता चलेगा कितनी इक्वालिटी, इक्विटी, सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी उन तक पहुंची है। डेटा की कमी के कारण जो ओबीसी की जो आबादी है, ओबीसी के अंदर ही जो ओबीसी हो गया, ओबीसी के ऑब्वियसली उनके अंदर अलग अलग जो कास्ट होती है, ओबीसी के अंदर जो लास्ट का जो सरनेम होता है, उनके ओबीसी के भीतर के समूह के लिए कोई उचित अनुमान उपलब्ध नहीं है। देखो मंडल आयोग ने अनुमान लगाया था कि ओबीसी आबादी जो 5% है, जबकि कुछ जगह पर ओबीसी की आबादी है वो 36 से लेकर 65% तक होने का अनुमान लगाया गया। और जाति आधारित जनगणना के माध्यम से जो ओबीसी के जो आकार के बारे में हमें जानकारी मिलती है, मतलब कि ओबीसी की जो आर्थिक स्थिति है कि भाई उनके घर किस प्रकार के हैं, किस टाइप के हैं, कच्चे हैं, पक्के हैं, उनकी संपत्ति, उनके व्यापार के बारे में पता चलता है। और इसके बारे में नीति संबंधित प्रासंगिक जानकारी, जनसंख्या की जानकारी, यानी कि लिंग अनुपात कितना है जो ओबीसी है उसके अंदर, ये एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, और उनके बीच में मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा दर कितनी है, शैक्षिक यानी एजुकेशनल के बारे में बात करें तो ओबीसी के अंदर पुरुष महिला साक्षरता कितनी है, स्कूल जाने वालों की आबादी का अनुपात संख्या कितना है, इन तमाम बातों के बारे में पता चलता है कि अगर जाति आधारित जनगणना होती है तो। अब आरक्षण का एक तरीके से यहां बोला गया है कि ऑब्जेक्टिविटी ऑन रिजर्वेशन। अब जाति आधारित जनगणना आरक्षण पर एक ऑब्जेक्टिविटी का एक बहुत एक तरीके से कह सकते हैं कि जो आज की डेट में कम लोगों तक पहुंच पा रहा है आरक्षण, और जिन तक पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पा रहे, तो आरक्षण अगर जाति आधारित जनगणना होती तो यहां तक उन तक आरक्षण पहुंच पाएगा। और ओबीसी के लिए जो 27% कोटे के समान जो पुनर्वितरण की जांच के लिए गठित रोहिणी आयोग के अनुसार ओबीसी के आरक्षण के तहत लगभग 2633 जातियां शामिल हैं। हालांकि 1992 में केंद्र की आरक्षण नीति इस बात पर ध्यान नहीं देती है कि ओबीसी के भीतर यानी कि ओबीसी के खुद अंदर कुछ ऐसी उनके सरनेम या फिर कहेंगे कुछ अंदर ऐसी पिछड़ी जातियां हैं जो अलग श्रेणी से मौजूद हैं, और वे सभी हाशिए पर है यानी मार्जिनलाइज्ड कंडीशन के ऊपर है वो। अब बात करते हैं विपक्ष क्या कहता है, यानी एक तो पक्ष में हो गया कि क्या फायदे हैं, अब इससे क्या नुकसान है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए जाति एक तरीके से हमारे देश के अंदर भावनात्मक तत्व है, मतलब कि इमोशनली एलिमेंट है ये। अब इस प्रकार की जाति आधारित जनगणना से राजनीतिक और सोशल दोनों तरीके से इफेक्ट पड़ सकता है। ऐसी आशंकाएं प्रकट की जाती हैं कि जाति संबंधित जनगणना से उनकी पहचान का एक तरीके से सुदृढ़ता यानी उसमें कठोरता का मदद मिल सकती है, और आने वाले टाइम में कोई इंसान बायस्ड भी हो सकता है, अपनी जाति के लिए काम भी करेगा, ऑब्वियसली करते हैं, लेकिन
एक पर्टिकुलर डेटा आने के कारण वहां पर अब और ज्यादा भेदभाव या फिर कहें कि अपनी ही कम्युनिटी को आगे बढ़ाने का इस तरीके के यहां पर आशंकाएं प्रकट की जाती हैं कि ऐसी चीजें होने लग जाएंगी। और ऐसे दुष्प्रभावों के कारण सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 के लगभग एक दशक बाद भी इसके आंकड़े बड़े अंश प्रकाशित मतलब कि अप्रकाशित रहे, प्रकाशित किए ही नहीं गए, केवल अंशों में ही जारी किया गया, छोटे छोटे जो भी मामूली इंफॉर्मेशन है वो दी गई है। अब जाति संदर्भ विशिष्ट होना, अब ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए ये आपको जानकर हैरानी होगी, देखिए जो दलित उपनाम वाले लोगों को अगर नौकरी हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है, फॉर एग्जाम्पल उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, अब उनके लास्ट का जो नाम देखकर ये संभावना होती है कि उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी, भले ही उनकी योग्यता जो है वो उच्च जाति के उम्मीदवार से बेहतर हो। जमींदारों द्वारा उन्हें पट्टेदार के यानी कि एक टेनेंट के रूप में उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा, संभावना भी बहुत कम होती है यानी कि उनको जमीन दे दी जाए वो खेती कर लेंगे। एक पढ़े लिखे संपन्न दलित व्यक्ति का विवाह अभी भी अगर उच्च जाति की महिला के परिवार में अगर हो जाए तो वहां पर हिंसक प्रतिशोध को जन्म देता है, यानी लड़ाइयां हो जाती है वहां पर। अब आगे की राह क्या हो सकती है, देखिए भले ही एक जाति जनगणना जाति विहीन समाज के लक्ष्य के लिए भले ही अनुकूल न हो, लेकिन यह समाज की असमानताओं को दूर करने के साधन के रूप में काम आ सकती है। हाँ मानते हैं इससे प्रॉब्लम क्रिएट होगी, अगर यहां पर अगर यह नहीं किया जाएगा तो जाति के अंदर जो विभिन्न जातियां हैं उनको पहचान करके उन तक लाभ पहुंचाना यह मुश्किल होता जाएगा। जाति के आंकड़े न केवल इस सवाल पर स्वतंत्र शोध करने में सक्षम होंगे कि सकारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता किसे है, यानी किसके पास ज्यादा चीजें पहुंचनी चाहिए और किसे नहीं है, बल्कि यह आरक्षण की प्रभावशीलता में वृद्धि लाता है, यानी कि जहां तक आरक्षण की बात आती है तो उन लोगों तक आरक्षण पहुंचाया जाए जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है। अब यहां पर निष्पक्ष डेटा और उसके बाद की जो शोध सबसे पिछड़े वर्गों के उत्थान के वास्तविक प्रयासों को जाति व वर्ग की राजनीति से बचा सकते हैं तथा उन दोनों पक्षों के लिए यह सूचना के स्रोत में हो सकते हैं जो आरक्षण के पक्ष में और विपक्ष में भी है। देखिए आरक्षण का प्रावधान नहीं बल्कि आरक्षण का दुरुपयोग हमारे समाज में विभाजन पैदा करते हैं। हम कहते हैं कि किसी पर्टिकुलर जाति को आरक्षण मिला हुआ है इसलिए उसको जॉब मिल गई, इसलिए उसको इस सेंटर के अंदर यहां पर या फिर कहें कि इस इंस्टीट्यूट के अंदर उसका एडमिशन हो गया, लेकिन ये आरक्षण से नहीं कि हम उससे वैर भाव करें, आरक्षण का दुरुपयोग ये काफी एक इंपॉर्टेंट एक बहुत एक सीरियस लाइन है कि आरक्षण का जिस तरीके से मिसयूज किया जा रहा है वो समाज के अंदर विभाजन पैदा करता है। अगर जाति आधारित जनगणना होती है जिन लोगों तक आरक्षण पहुंचना चाहिए वो आरक्षण पहुंचेगा वहां तक, और जिससे क्या होगा जिन लोगों तक उन्हें जरूरत नहीं है तो सरकार उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ कानून भी बनाएगी, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। खैर उम्मीद करता हूं कि ये जो आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा कि जाति आधारित जनगणना से क्या फायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं और कैसे कैसे चीजों को ये हेल्प करेगा आने वाले टाइम में सरकार की। उम्मीद करता हूं कि कंप्लीट लेक्चर जो है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर से अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप लोगों को वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा, तो जाकर आप वहां से इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो ज्यादा ही पसंद आई है तो शेयर कर सकते हैं क्योंकि शेयर का एक बटन आपको नीचे दिया मिलेगा, मतलब वीडियो को भी कर सकते हैं एज वेल एज चैनल को भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।